घर घर पर खाना मांग, रैकी कर देते हैं वारदात को अंजाम। पुलिस थाना सदर, चित्तौड़गढ़, चंदेरिया और साइबर सेल की संयुक्त कार्यवाही। अंतर्राज्यीय शातिर निकबजन और बाइक चोर काल बेलिया गैंग के सरगना सहित चार मुलजिम गिरफ्तार। दो आरोपियों को डिटेन कर 50 से ज्यादा वारदातों का खुलासा। चित्तौड़गढ़, जहां एक और राज्य और जिले में चोरी की वारदातें हो रही हैं, वहीं जिला पुलिस इन चोरी और नकबजनी की वारदातों का खुलासा कर अपराधियों को हौसले परस करने में लगातार सफल हो रही है। इसी का एक और उदाहरण गुरुवार को जिला पुलिस को देखने को मिला, जब पुलिस थाना सदर चित्तौड़, चंदेरिया और साइबर सेल ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए अंतर्राज्यीय शातिर नकबजन और बाइक चोर कालबेलिया गैंग के सरगना सहित चार मुलजिमान को गिरफ्तार किया और दो आरोपियों को डिटेन कर 50 से ज्यादा वारदातों का खुलासा किया। कालबेलिया गैंग के गिरफ्तार उक्त आरोपी अपने मूल निवास से कहीं और रहकर भीख मांगते हुए घरों की रैकी कर चोरी और नकबजनी की वारदातों को अंजाम देते। चित्तौड़गढ़ जिले के अलावा राज्य के कई जिलों सहित मध्य प्रदेश में भी चोरी की वारदात को करना कबूल किया है। पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने बताया है कि वर्तमान में जिले में हुई नकाबजनी, वाहन चोरी, लूट, डकैती जैसी गंभीर वारदातों को मद्देनजर रखते हुए हर सूरत में खुलासा करने के लिए अज्ञात मुलजिमानों की धरपकड़ हेतु वारदातों को गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कैलाश साधु के निर्देश पर पुलिस उप अधीक्षक बुद्धराज टांग के निकटतम सुपरविजन में थाना अधिकारी थाना सदर चित्तौड़गढ़ हरिंदर सिंह सोडा, पुलिस निरीक्षक थाना अधिकारी चंदेरिया कैलाश चंद, पुलिस निरीक्षक प्रभारी साइबर सेल चित्तौड़गढ़ चंद्र प्रभात उप निरीक्षक के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन हुआ। टीम द्वारा अथक प्रयास कर शातिर नकबजन कालबेलिया गैंग के सरगना सहित कुल चार लोगों को गिरफ्तार कर दो को डिटेन कर 50 से ज्यादा वारदातों का खुलासा किया गया है। नवभारत समाचार चित्तौड़गढ़, राजस्थान से दुर्गेश कुमार लक्षकार की रिपोर्ट।